अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बग्गू सुनो, बग्गू, अरे बग्गू। अरे तू रो रही हो बग्गू, क्या हुआ? अरे बताओ तो हमें, क्या बात है, क्यों रो रही हो? बता तो। कल जब मैंने तुमसे 5,000 मांगे तो तुमने क्या बोला मुझे? अगले महीने लेना। तुमने मेरी नाक कटवा दी ना, मेरा सर जो है ना शर्म से झुका दिया तुमने। भगवान, 5,000 रुपए के लिए तुम रो रही थी? हाँ, मैं 5,000 रुपए के लिए रो रही थी। तुमको पता भी है बेनी, मेरी दोस्त सोनल गणेश चतुर्थी के लिए बाजार साड़ी लेने जा रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरे पास तो पैसे है ही नहीं ना, नहीं है पैसे। तो उसने मेरा मजाक उड़ाया है बेनी, कि तेरा पति झूठा है, तेरे से प्यार ही नहीं करता, बेवकूफ बनाता है तुझे, तुझे पैसे वैसे देता ही नहीं है, वो दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। क्या बोलती मैं? क्या कहा, प्यार नहीं करता? तुम उसके साथ दोस्ती तोड़ दो, पॉइजनस है, जो जहरीली औरत है वो। ये क्या झूठ बोला उसने? प्यार? सच तो कह रही है वो। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना बेनी, तो मेरे मुंह पे 5,000 मार देते। तुमने मारे? नहीं मारे, लेकिन क्या करूं, मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी कर ली। सच बता रही हूँ, मेरे को करनी नहीं थी तुमसे। बग्गू देखो, ये गलत बात है, मतलब 5,000 रुपए के लिए तुम मतलब मेरे प्यार पे शक कर रही हो। बग्गू, अरे नहीं 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 नहीं, अरे सुनो सुनो सुनो, ओ अरे यार, ये लो, पकड़ो 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 पकड़ो, 5,000 पकड़ो, पहले पकड़ो, कीमती है, आंसू बोला था। नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते पूरे 5,000 हैं और कहीं कुछ नहीं है, 5,000 हैं। पहले देते थे ना मुझे, इतना रोना ही नहीं पड़ता। वैसे तुम आदमी बहुत अच्छे हो, हाँ चलो जाओ। आ गया कट्टो, तुम्हारा बेटा आ गया। भाग रहे वो, भाग रहे, पकड़ो उसको। ना सपीटे किते भाग रहे हुए इते को ना ना भागना रही थी हमें, ऐसो लगो कि डोकर होते विराजमान है स्कूटर पे, तो हमने कितने नमन कर ले। नमन बाद में करियो, उल्लू समझ रखो है, तेरे डोकर इते खड़े हैं हमारे सामने। इते को इते ही है का, इते से कर ली रही, डोकर को हमारी राम राम हैगी, डोकर कैसी है? बिल्कुल सही ना है। अरे तू बता, सिक्का मिलो है नाना? हाँ, असल में अम्मा का बताएं, बस सिक्का पाने से एक उंगल दूर आए। हपुआ झूठ बोल रही है, एक उंगल भी आगे नहीं बढ़ा इस केस में। हपुआ तेरे डोकर कह रहे हैं कि तू एक उंगल आगे ना बढ़ो है। ना ना, ऐसे मामले में हम झूठ बिल्कुल बोलते ही नहीं है, और हम बादू कर रहे सारे को जौन ने चुरा हुए सिक्का, बाको दबोचेंगे और सिक्का छुड़ा के तुम्हारी गद्दी में धर देंगे। अरे ये इतना बड़ा नालायक है, इसके आगे से हाथी भी चोरी हो जाए ना तो हाथी नहीं टूट पाएगा, सिक्का क्या चीज है? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे हपुआ तुम आओ ही है। हपुआ हाँ? तेरे डोकर कह रहे हैं कि ऐसो नालायक उनका बेटा ना हो सकता है। ए ए कट्टो, ऐसा मैंने कब कहा? ये कह रहे हैं कि तू जरूर शर्मा जी को खाएगा। वाह वाह डोकर वाह, कसम से कह रहे ऊपर पहुंच गए, लेकिन कितनी गिरी भाई बात कर रही है ना, बुरो लग गऊ। ये कट्टो, इसको डांटने की बजाय इसकी नजर में मुझे क्यों गिरा रही हो? काहे कि तुम हमें बोलन ना दे रहे हो, हम जब भी कुछ बोलने की कोशिश करें तुम बीच में कूद जाते हो। आगे से कभी ना टोकियो हमें, चुप है जाओ, हमें बात करने दो। अपुआ कान खोल के सुन ले, बोलो। सिक्का ढूंढ के लेके आ, वरना हम तेरे। ओके 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 ओके, जाकी जरूरत नहीं है।
तो बहुत तेज भूख लग रही है। तू बता तो क्या खाएगा? हमको कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं खाना तो ठीक है, पर मुंह भी सुजा रखा है तूने बिना बात के। मलाइका तुम भी हद करती हो, कई बार तुमको फोन किया, काहे नहीं एक बार भी फोन उठाए। सर सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, एक सेल्फी प्लीज। सर पे ही बैठ के फोटो खिंचवा लेना। सॉरी, थैंक यू सो मच। ड्यूटी के बीच में से पर्सनल कॉल नहीं उठा सकती ना किसी का? किसी का? अरे हम पप्पू कुमार हैं, कोई ऐरा गहरा है कहा कि हमारा फोन नहीं उठाए? तो मेरा नाम भी ना एसीपी मलाइका सिंह है, किसी की पहरेदार नहीं हूँ मैं, ठीक है? पप्पू कुमार होंगे तुम यहाँ होंगे अपने घर के या जहाँ के भी, पर लगी तो हमारे बंदोबस्त में हो ना। उसका क्या मतलब हुआ बंदोबस्त में लगी तो? ड्यूटी है वो, मेरी करनी पड़ेगी ना मुझे। मेरे एक ऑर्डर पे ना होटल से बाहर नहीं निकल सकते हो तुम, अकड़ रखी रह जाएगी सारी सुपरस्टार वाली आए पड़े। मतलब तुम हमको होटल में क्वारंटाइन करोगी? हाँ तो ठीक है, हम भी तुम्हारे भाई बहन के फंक्शन में ना स्कूल के नहीं आएंगे, हम भी चीफ गेस्ट बन के, हम भी ऐसे कैसे ना चीफ गेस्ट बन के नहीं आते। ओ एक सेकंड, ये क्या तरीका है, लेके जाओ इधर। वेटर पैसा मत लेना। कहाँ क्या कर दिखा रहा है? ये इतना बदतमीज है। सर हमको जो कहने आया थी, आप बुरा मत मानिएगा, पर पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है कि आप हमें इतना भावना दे रहे जितना देना चाहिए। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार को बुलाना छोटी बात ना है? वो अपना पन नहीं दिख रहा। अरे क्या बात कर रही गिलहरी, आई मीन चमची बिटिया, तुम लोगों से तो इतना अपनापन है जितना कि खुद के पैदा किए बच्चों, मेरा मतलब है संस्कार और आदर्श से भी नहीं है। तो सर अगर इतना तो प्यार है तो जा बात पे तो आपको हमें लिख के देना चाहिए कि आप हमें फर्स्ट डिवीजन पे पास करेंगे। हाँ वो टेक यू टाइम। हेलो। हाँ मास्टर जी, आपको मेरे छोटे भाई बहन कहीं नजर आ रहे हैं आसपास आपके? अरे दिख क्या रहे हैं, साक्षात यहाँ विराजमान है, साक्षात सामने दिख रहे हैं। तो कृपया उन्हें फोन पकड़ा दीजिए। लो मलाइका दीदी का फोन। मलाइका दीदी, हेलो। हाँ मलाइका दीदी, अरे वो स्कूल में हूँ ना तो फोन शायद स्विच ऑफ होगा। अरे तू रुक, पहले मेरी बात सुन, बाद में बोलिए। वो जो पप्पू है ना वो नहीं आएगा तेरे स्कूल के फंक्शन में, ठीक है? और उसका नाम मत लिया आज के बाद मेरे सामने, नाम का सुपरस्टार अंदर से गवार है, एक नंबर का तमीज नाम की चीज नहीं है। क्या कह रही थी मलाइका दीदी? सर वो सुपरस्टार आ रहे हैं तो जरा नाश्ते का अच्छा प्रबंध करियो। चल चमची जरा जरूरी काम है, चल चमची। सर जी लगी सुपरस्टार पप्पू कुमार, भौजी तुहार लुगाई हमार, क्या बात है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।